तो इंटरनेट पर पिछले 4 दिनों से कुछ यूनिक चाहिए कि तलाश इन 2 AI गैजेट्स पर खत्म हो जाती है। एक है Humane AI Pin और दूसरा है रेबिट R1। ये कोई स्मार्टफोन नहीं है, बिकॉज स्मार्टफोन में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, हर एक काम का एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन इनमें किसी तरह का कोई भी ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बस ओनली वॉइस कमांड से ये स्मार्टफोन वाले लगभग सभी यूजफुल काम कर सकते हैं, लाइक ओनली वॉइस कमांड से कैब एंड फ्लाइट बुक कर सकते हैं। बस आपको ये बताना होगा कि आपको कहां से कहां तक जाना है, बाकी ये सारा प्रोसेस अपने आप कर लेगा। अगर आपको कुछ ऑनलाइन बाय करना है तो बस इसको वॉइस कमांड दे दो कि इसको बाय कर दे, तो ये बाय कर देगा। और आप किसी डिवाइस को रिपेयर कर रहे हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहां पर मिस्टेक है, तो ये आपको गाइड भी करेगा। Next, thermostat is not functioning properly. Can you check what's going on and help me with the wires? Let me take a look. I can see the thermostat wiring. रियल टाइम किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है, इन दोनों से ही कॉल एंड टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं ओनली वॉइस कमांड से। तो अब आपके मन में भी डाउट आ रहे होंगे कि विदाउट एप्लीकेशन ये सब काम करना एक डिवाइस के लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है, कि डिवाइसेस स्मार्टफोन को फ्यूचर में क्या रिप्लेस कर सकती है या फिर बस ये एक स्कैम है। इन कंपनीज के फाउंडर के हिसाब से फ्यूचर एप्पल विजन प्रो एंड मेटा ग्लासेस का नहीं, बल्कि एक ऐसी डिवाइस का होगा जो आपसे रियल टाइम में बात करे, और स्मार्टफोन से जो आप काम करने वाले हो वो ओनली वॉइस कमांड से ये डिवाइस कुछ ही सेकंड्स में कर दे, ताकि आपका ध्यान ओनली आपके काम पर हो। सबसे पहले बात करते हैं Humane AI Pin के बारे में। तो Humane कंपनी के CEO इमरान चौधरी एक अमेरिकन डिजाइनर है। ये पास्ट में लगभग 20 साल तक एप्पल आईफोन की डिजाइन टीम का पार्ट रह चुके हैं। इन्होंने आईफोन की होम स्क्रीन एंड मैक ओएस में विजेट इंटरफेस डेवलप करने में हेल्प करी थी, तो मान सकते हैं इनमें कुछ यूनिक करने की एबिलिटी तो है। Humane AI Pin डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिक एंड कॉम्पैक्ट है, जैसे TWS का केस होता है उसी तरह से इसका भी एक केस है। इसके साथ एक बैटरी बूस्टर आता है जिसकी हेल्प से मैग्नेट के थ्रू इस पिन को किसी भी तरह के क्लोथ पर क्लिप्ड कर सकते हैं, जैसे इन्होंने इंट्रो वीडियो में एक लेदर जैकेट के ऊपर क्लिप्ड करके बताया है। इसमें एक कैमरा है, एक लेजर प्रोजेक्टर है जो ओनली पाम दिखाने पर ही वर्क करता है, और सामने की तरफ एक टच पैड है, 2 इंडिकेटर लाइट है, एक टॉप पर है, एक फ्रंट पर है, और माइक्रोफोन एंड स्पीकर भी है। इस AI पावर्ड डिवाइस को वॉइस, गेस्चर एंड टच के थ्रू इनपुट दे सकते हैं, और ये गेस्चर कोई नई बात नहीं है, एप्पल विजन प्रो में भी है और एप्पल वॉच अल्ट्रा में भी है। लेकिन इस डिवाइस का सबसे यूनिक फीचर है लेजर प्रोजेक्शन सिस्टम जो एक डिस्प्ले का काम करता है, और ये लेजर प्रोजेक्शन ओनली पाम के मिड में शो होता है। अगर आप पाम को इधर उधर मूव करोगे तो भी ये पाम के मूवमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, और हमेशा पाम के बीच में ही शो होगा। इस AI पिन से किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लाइक ChatGPT। इसके कैमरे में कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाकर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। Can I eat this? Yes, dragon fruits are low in sugar. फोटो एंड वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं, कॉल एंड टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, और अगर कुछ ऑनलाइन बाय करना है तो वॉइस कमांड दे दो, ये अपने आप बाय कर देगा। How much is this online? This is $28 online. Great. Buy it. ये ऑलमोस्ट 50 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और रियल टाइम पर लैंग्वेज ट्रांसलेट भी कर सकता है। और इसे आपने जो भी काम किया है, लाइक जो फोटो ली है, जो वीडियो ली है, जिसको भी मैसेज सेंड किया है, ये सब कुछ Humane.center पर शो होगा, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ से आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। कोई फोटो अगर अच्छी नहीं आई तो उसको डिलीट भी कर सकते हो और अपना डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हो किसी और डिवाइस में। लेकिन इस डिवाइस से रिलेटेड मन में कुछ डाउट्स रह जाते हैं, जैसे ये AI पिन प्रोडक्ट बाय करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है। अगर मान लेते हैं एक बार के लिए ये Amazon यूज कर रहा है, तो उस सेम प्रोडक्ट की प्राइस किसी अदर प्लेटफॉर्म पर कितनी है, क्या पता ये सेम प्रोडक्ट किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर सस्ता मिल रहा हो। नंबर 2, इसके आंसर एक्यूरेट नहीं है। जब इस डिवाइस को पूछा गया इस हाथ में जो आलमंड्स है इनमें कितना प्रोटीन है, तो जवाब मिलता है 15 ग्राम, जो टोटली गलत है और सही आंसर के आसपास भी नहीं है। नंबर 3, ये कितना सिक्योर है भी या नहीं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया, इस डिवाइस में एक कैमरा एंड माइक्रोफोन भी है, और कैमरा की लोकेशन एकदम परफेक्ट है, और कंपनी का कहना है कि इसके अंदर एक ट्रूली ऑफ का ऑप्शन भी है, जब तक हम इसको ऑफ नहीं करेंगे ये बैकग्राउंड में कैमरा एप्लीकेशन ऑन ही रखता है। नंबर 4, इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, इतने में तो एक आईफोन भी आ जाएगा। Humane AI Pin के टोटल 3 कलर वेरिएंट है, ब्लैक एंड व्हाइट और एक ग्रे कलर भी है, लेकिन ब्लैक कलर की प्राइस है $700 और व्हाइट एंड ग्रे कलर की प्राइस है $800। और इतना ही नहीं, इसको एक्टिव रखने के लिए
मंथली सब्सक्रिप्शन की भी जरूरत पड़ती है, उसकी प्राइस है $24। और इस मंथली सब्सक्रिप्शन के बगैर ये गैजेट किसी काम का नहीं है। वैसे इसका सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, बस $24 का मैसेज आएगा अकाउंट से कटने का। नंबर 5, इसमें एक फीचर है कि कैमरा से कोई भी फोटो लोगे वो आप अपने पाम पर लेजर प्रोजेक्टर के थ्रू देख सकते हो, लेकिन वो नेचुरल कलरफुल नहीं होगी, तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही समझ लो। तो कैमरा फोटो कितनी खराब आई है, यूजेबल भी है या नहीं, ये कंफर्म करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये एक दिक्कत है, बिकॉज जिस मोमेंट को आप कैप्चर कर रहे हो वो शायद नेक्स्ट टाइम आपको देखने को ही ना मिले। तो फोटो क्वालिटी परफेक्ट आना जरूरी है। मोबाइल से तो ऑन टाइम पता चल जाता है कि इमेज अच्छी नहीं आई है, रीक्लिक करने की जरूरत है, लेकिन इससे पॉसिबल नहीं है। अब ये एक स्कैम कैसे हो सकता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले रेबिट R1 के बारे में भी सुन लो। रेबिट R1 भी एक AI बेस्ड डिवाइस है, इसका डिजाइन भी एकदम डिफरेंट है। इसको टीनेज इंजीनियरिंग नाम की एक कंपनी ने डिजाइन किया है, जिसका हर एक प्रोडक्ट डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूनिक है। और ये कंपनी नथिंग के Air 1 को डिजाइन करने में भी इंक्लूड थी। रेबिट R1 में 2.88 इंच की एक टच स्क्रीन डिस्प्ले है, एक 360 रोटेटिंग कैमरा, एक स्क्रोल रोलर और साइड फ्रेम पर एक पुश बटन है फॉर इनपुट। टॉप पर 2 माइक्रोफोन है, बैक साइड एक स्पीकर है। इसमें 4G सिम कार्ड स्लॉट भी है और 2.3 GHz मीडियाटेक हीलियो P35 प्रोसेसर विद 4GB रैम और 128GB स्टोरेज। और इसका साइज लगभग सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 5 के जितना ही है, और थिकनेस की बात करें तो एक स्मार्टफोन के जितनी मान लो। इसकी प्राइस है ओनली $199 और इसको एक्टिव रखने के लिए सब्सक्रिप्शन की नीड नहीं है, ये फ्री है। इसी वजह से जब ये 9th जनवरी 2024 को अनवील किया गया था और प्री बुकिंग स्टार्ट करी गई थी, तो सेल के फर्स्ट डे में इसकी लगभग 10,000 प्री बुकिंग हो चुकी थी। कंपनी का टारगेट एक दिन में 500 यूनिट का ही था और मार्च के लास्ट वीक तक 1,00,000 से ज्यादा यूनिट प्री बुकिंग हो चुकी है। इसमें भी ओनली वॉइस कमांड से कैब एंड फ्लाइट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन कुछ भी बाय कर सकते हैं, फैमिली ट्रिप प्लान कर सकते हैं, इसके कैमरे में कुछ भी दिखाओ ये सब कुछ बता सकता है। एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे फ्रीज में जो भी चीजें रखी है उनसे कौन सी रेसिपी बन सकती है ये आपको बता सकता है। और इसमें भी किसी तरह का कोई भी ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो सेम डाउट आते हैं कि विदाउट एप्लीकेशन ये फ्लाइट एंड कैब कैसे बुक कर सकता है, लेकिन रेबिट के CEO ने इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है। रेबिट R1 में लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज हुआ है और ये भी OpenAI सोर्स पर बेस्ड है और R1 के फंडामेंटली इंटरफेस को लार्ज एक्शन मॉडल नाम दिया है, जिसमें एबिलिटी है कि वो किसी तरह का भी एप्लीकेशन यूज करना जानता है, चाहे एप्लीकेशन का इंटरफेस कितना भी कॉम्प्लेक्स हो। जैसे हम फ्लाइट बुक करते हैं तो उन एप्लीकेशन का इंटरफेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। देखो, नो डाउट ये दोनों ही डिवाइस यूजफुल एंड यूनिक है और इनकी अप्रोच भी काफी सही है। स्मार्टफोन को कम से कम कैसे यूज किया जाए, इसका ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। ये डिवाइसेज स्मार्टफोन को फिलहाल पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन जिनको स्मार्टफोन यूज नहीं करना आता उनके लिए ये बहुत यूजफुल हो सकती है। और जहां तक एप्पल विजन प्रो एंड मेटा ग्लासेस की बात है, तो वो दोनों ही डिवाइसेस इन डिवाइस से बहुत ज्यादा एडवांस है और मेरे हिसाब से जो फ्यूचर है वो मेटा ग्लासेस का हो सकता है, बिकॉज एप्पल विजन प्रो का साइज कुछ ज्यादा है, वो डेली यूजेज के हिसाब से ठीक नहीं है। तो फाइनली अब बात करते हैं, ये दोनों AI डिवाइसेस कहीं स्कैम तो नहीं है। ये स्कैम वाला डाउट मन में इसलिए आता है बिकॉज स्मार्टफोन ऑलरेडी एक बहुत डेवलप्ड डिवाइस है और जो इन AI डिवाइसेस के अंदर फीचर्स है वो हम स्मार्टफोन के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। और जैसे जैसे नए नए AI फीचर्स आ रहे हैं वो सारे स्मार्टफोन के अंदर इंक्लूड होते जा रहे हैं, तो इसलिए ये थोड़ा गिमिक लगता है। वैसे ह्यूमन AI पिन की डिलीवरी शायद स्टार्ट हो चुकी है अप्रैल के मंथ में और रेबिट R1 की डिलीवरी जून या जुलाई मंथ में स्टार्ट हो जाएगी। वैसे दोनों ही डिवाइसेस इंडिया में नहीं आ रही, ह्यूमन AI मेनली US के अंदर ही आएगी और जो रेबिट R1 है वो 4 से 5 कंट्रीज में आने वाली है, लाइक US, कनाडा, यूरोप एंड UK। तो जब ये पब्लिक यूज में आने लगेगी तब इनकी एक्चुअल रियलिटी का पता चलेगा। लेकिन अगर आपको जानना है सैमसंग के ट्रांसपेरेंट स्मार्टफोन का क्या हुआ, तो ये वीडियो है, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो।